CNX विल बी लिस्टेड ऑन एल बैंक। वाह भाई वाह। हाँ दोस्तों, CNX कॉइनएक्स माइनिंग कर रहे हैं, एल बैंक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। यह बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त एक्सचेंज है, और बिटकॉइन लेजेंड की टोकन भी एल बैंक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुकी है। तो भाई क्या न्यूज़ दी है, लिस्टिंग एंड प्री सेल, CNX विल बी लिस्टेड ऑन एल बैंक एक्सचेंज। वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट CNX विल बी लिस्टेड द नंबर 15 एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। मैंने कहा ना, एल बैंक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सचेंज है, दुनिया में 15वें नंबर पर है, तो ये भी अच्छी खासी रैंकिंग मानी जाएगी। वी थैंक द होल कम्युनिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, वी जस्ट नीड अ फ्यू मोर लिस्टिंग्स टू बी एलिजिबल फॉर बाइनेंस। तो यहाँ तो बस बवाल ही कर दिया है, एल बैंक पर लिस्ट होगा, उसके बाद थोड़े और एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा, फिर सीधा ही बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। भाई कमाल कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा और नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस एक्सचेंज वहीं पर लिस्ट होने वाला है। तो हम भी यही चाहते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज पर बहुत ही जल्द लिस्ट हो जाए। तो देख लेना, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मुझे तो पता है मैं जितने भी एप्लीकेशन में माइनिंग कर रहा हूँ वो सब के सब स्कैम नहीं है। एक दो स्कैम निकल जाएगी, दो पाँच स्कैम निकल जाएगी, लेकिन बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी इसी तरीके से बड़े बड़े धमाके करके ही जाएगी। सिर्फ मोबाइल माइनिंग की एप्लीकेशन है, वहीं से ही आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने आपको बार बार कहा है और आज भी कह रहा हूँ, एक तरफ आपकी पूरी लाइफ की जॉब्स रहेगी, या फिर मार्केटिंग रहेगी, या फिर ऑनलाइन बिजनेस रहेगा, वो सारा एक साइड पे रह जाएगा। और एक साइड पे हम ये जो माइनिंग कर रहे हैं 1 साल 2 साल तक, उस माइनिंग से ही हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, इतना अर्निंग हो जाएगा। लेकिन सही वक्त पर और सही मौके पर और सही प्राइस पर हमको क्रिप्टो करेंसी को उठाना है, जिस तरीके से रेनेक कॉइन में मैंने दिखाया। अभी अभी ही चेक करके आया हूँ, $3 पर हमने उठाया था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको अच्छी प्राइस मिले तभी उठाना है। लिस्टिंग डेट ऑन एल बैंक एंड P2P एंड B2B एक्सचेंज 17/1/2023। तो 17 जनवरी को एल बैंक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो जाएगा, और P2P एंड B2B एक्सचेंज है वहाँ पर भी लिस्ट हो जाएगा। तो एक ही दिन में एक ही वक्त पर दो एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा, दोनों अलग अलग एक्सचेंज रहेंगी, और दोनों एक्सचेंज ज़बरदस्त एक्सचेंज है। ठीक है दोस्तों, तो देख लिया ना इसका कितना पोटेंशियल है। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैंने पहली बार इसको शेयर किया था तब हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ये कहते थे कि भाई इसमें माइनिंग स्पीड बहुत ही कम है, तो हमको कोई ज़्यादा टोकन नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, माइनिंग स्पीड कम होना ये एक अच्छा फैक्टर है, ये एक अच्छी बात होती है। अब देख लो, माइनिंग स्पीड कम है तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ उठाकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर इस टोकन को लिस्ट कर रहे हैं। प्री सेल हैज़ बीन एक्सटेंडेड अनटिल क्रिसमस। तो प्री सेल एंड होने वाला था, लेकिन उसका टाइम इंक्रीज कर दिया है। ड्यू टू द लिस्टिंग ऑन एल बैंक, द कोर टीम हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द प्री सेल टू गिव द एल बैंक कम्युनिटी अ चांस टू टेक अ लुक टू आवर प्रोजेक्ट बिफोर लिस्टिंग। तो सही बात है, एल बैंक की जो भी कम्युनिटी होगी वो भी यहाँ पर आएगी। देर इज़ नो वेस्टिंग पीरियड इन द करंट प्री सेल राउंड, यू कैन गेट CNX नाउ फॉर 0.04 USD। तो 0.04 USD में आपको एक CNX कॉइन मिल जाएगा। लिस्टिंग प्राइस विल बी 0.08 USD। तो सीधा सीधा 2 गुना प्रॉफिट आपको लिस्टिंग के वक्त ही मिल जाएगा, अगर अभी प्री सेल में पार्टिसिपेट करते हो तो। इसका लिस्टिंग 0.08 USD पर है, यानी INR के हिसाब से देखो तो 1 कॉइन बराबर ₹1 बनेगा। ये लिस्टिंग प्राइस है, और लिस्टिंग के बाद पंप आएगा तब तो अच्छा खासा प्राइस हमको मिलेगा ही मिलेगा। $0.1 तक तो आसानी से पहुँचेगा ही पहुँचेगा, उससे ज़्यादा पहुँचेगा तो और ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन CNX प्री सेल। तो ये सबसे आखिरी वाला प्री सेल रहेगा। द लिस्टिंग डेट स्टे द सेम, तो ये वाली लिस्टिंग की डेट रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें अब KYC करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख लो, ये डाउनलोड वॉलेट एक्स है, तो ये वाले एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है। इसकी अलग से एप्लीकेशन बना दी है, वॉलेट एक्स क्रिप्टो वॉलेट। तो CoinX का अपना ओन वॉलेट लॉन्च हो चुका है। तो ये अपडेट कुछ दिनों पहले आ चुकी थी, लेकिन कोर कॉइन और दूसरी माइनिंग की एप्लीकेशन है उसकी वजह से इसमें भी थोड़ा डिले हुआ। तो अभी भी इसकी माइनिंग की स्पीड थोड़ी कम है, पहले भी थोड़ी कम थी, 0.01 कॉइन पर आवर की स्पीड मिल रही थी। और अभी यहाँ पर देख लो, मेरे 121 रेफर एक्टिव है, तब जाकर 1.22 कॉइन पर आवर की स्पीड हो रही है। तो ये कम थी, लेकिन कम माइनिंग की स्पीड से भी हमने माइनिंग करते रहे तो मेरे पास भी अच्छे खासे टोकन हो चुके हैं, और जो पहले से माइनिंग कर रहे हैं उनके पास भी अच्छे खासे टोकन हो गए होंगे। तो अब हमारा फल लेने का वक्त आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि बीच में जो कोई भी माइनिंग एप्लीकेशन है उसको छोड़ो मत और माइनिंग करते रहो। कोई एप्लीकेशन अपडेट न लाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्कैम हो गई, अब वो आगे काम नहीं करेंगी, वो मार्केट से भाग गए, बस हमको ऐड दिखाते रहते हैं और अपना पैसा बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, वो लोग बैकग्राउंड में वर्किंग कर रहे होते हैं लेकिन सारे अपडेट नहीं देते, क्योंकि बार बार बहुत सारे प्रोजेक्ट हैक हो जाते हैं
और दूसरी भी बहुत सारी परेशानी होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो नए हो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, और वॉलेट एक्स है उसको भी अभी से ही डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर भी अकाउंट बना लेना। अगर वहाँ पर केवाईसी करना होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आपको केवाईसी करना है। अब यहाँ पर थ्री लाइन है वहाँ पर क्लिक कर लेना, तो माइनर है, माइनिंग टीम है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑन CNX है यहाँ पर क्लिक कर लेना तो एक और पेज आ जाएगा। ऑन कॉइंस तो रोज़ाना एक बार ऐड देखने का मौका मिलेगा, तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा कॉइन भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर माइनिंग सेटिंग है वहाँ पर क्लिक कर लेना तो ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से इनवाइट लिंक भी निकाल सकते हो और यहाँ से पिंग इनएक्टिव तो इनएक्टिव फ्रेंड्स को पिंग भी सेंड कर सकते हो। और नीचे हेल्पर वाला है तो इसको ऑन करोगे तो जब भी आप माइनिंग को स्टार्ट करोगे तब एक छोटी सी ऐड चलेगी और आपके माइनिंग की स्पीड होगी वो 0.1 कॉइन पर आर की स्पीड एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं से भी ऐड देखकर रोजाना माइनिंग की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, तो ये ऐड ऑटोमेटिक चलेगी और जब माइनिंग स्टार्ट करोगे तभी चलेगी। ठीक है, अभी भी इसका बेज रेट 0.01 CNX पर आर का है, तो अभी भी आपके पास मौका है। माइनिंग करने के लिए ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से टोकन को माइनिंग कर सकते हो। तो ये एक और क्रिप्टो करेंसी है जो लिस्टिंग की तरफ जा रही है। इसका लिस्टिंग का डेट भी आ गया और कौन सा एक्सचेंज पर लिस्ट होगी वो सब भी लाइव कर दिया है। तो दूसरी जितनी भी माइनिंग एप्लीकेशन है वहाँ पर भी अच्छे से माइनिंग करते रहना और अपना पेशेंस जरूर से बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और डमकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।